हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौन में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सोमवार को शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा तिलक द्वार से रवाना होकर हरिदेव जोशी सर्कल, बागोड़ा रोड, पंचायत समिति, भक्त प्रहलाद चौक, बड़ी पोल, घाचियों की पिलानी, सदर बाजार, गांधी चौक, सूरज पोल, बिनमाल बाईपास, राजेंद्र नगर व अस्पताल चौराहे के अंदर विसर्जन हुई। शोभा यात्रा में युवाओं की टोलियां मटकियां फोड़ती नजर आई और उसके बाद मक्खन भी खाते दिखे। युवाओं की टोलियां मटकी फोड़ने में आतुर नजर आई। जगह जगह लोगों द्वारा शरबत, पानी व ठंडा की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान काफी संख्या में युवाओं, बच्चे, महिला मौजूद रहे। रथ पर राधा कृष्ण की झांकियां सजी नजर आई। ऊंट, घोड़े, हाथी भी शोभा यात्रा में दिखे। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, मधुसूदन व्यास एडवोकेट, बंसीलाल सोनी समाज सेवी व टैक्सी यूनियन अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग, युवा मौजूद रहे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।